नाउ स्टूडेंट लुक एट पेज नंबर 54। टॉनी स्पेंड द नाइट वंडरिंग व्हाट हिज स्टिंग कुड बी। टॉनी ने स्पेंड मींस बिताई द नाइट रात्रि वंडरिंग यह सोचते हुए कि व्हाट हिज स्टिंग कुड बी कि उसका जो डंक है वो क्या हो सकता था। इट्स मींस वो किस तरीके से उन लड़कों को उनके मन में भय बना सकता था। तो ये सारी चीज़ें वो रात भर सोचता रहा। ही ट्राइड टू थिंक आउट व्हाट वुड फ्राइटन दोज बिगर बॉयज और उसने यह सोचने की कोशिश की कि वह किस तरीके से उन लड़कों जो बड़े लड़के हैं उनको किस तरीके से डरा सकता था। किसने सोचा? टॉनी ने। ही थॉट ऑफ ए प्लान एंड स्माइल्ड उसने एक योजना सोची एंड स्माइल और वह मुस्कुराया। आई विल बी सेटिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम फियर टुमोरो उसने अपने आप से कहा कि कल मैं अपने आप को भय से मुक्त कर लूंगा। द नेक्स्ट डे अगले दिन टॉनी सीम्ड लाइक अ न्यू बॉय टॉनी एक नए लड़के की तरह दिखाई दे रहा था। मिस एक नया लड़के की तरह प्रतीत हो रहा था। सीम्ड मिस होता है प्रतीत होना। No longer did he walk with his gaze on the ground, nor did he look away when people spoke to him. और उसने अधिक समय तक ठीक है अधिक समय तक उसने न तो ग्राउंड पर अपनी दृष्टि डालते हुए चला वो और ना ही उसने अधिक दूरी पर लोगों को बोलते हुए देखा। ओके मिस जो लोग कुछ बोल रहे थे तो उसकी तरफ भी उसने ध्यान नहीं दिया। ही वॉज कॉन्फिडेंट अब वह उसको क्या था विश्वास हो गया था उसको। रेडी टू फेस अप टू एनीवन अब वह प्रत्येक व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार था। ही सेट हिज माइंड ऑन हिज न्यू रोल ऑफ फ्राइटनिंग पीपल और इसके लिए उसने क्या किया अपने दिमाग में उसने एक नई भूमिका सोची। किस चीज़ के लिए? ऑफ फ्राइटनिंग पीपल लोगों को डराने की। तो उसने लोगों को डराने की अपने मन में एक नया विचार सोचा। एंड और ऑन हिज बैक और उसने अपनी पीठ पर ही कैरिड अ बैकपैक फुल ऑफ स्टिंग्स और उसने अपनी पीठ पर क्या किया अपने बैग को किससे भर लिया डंकों से भर लिया। इट्स मीन्स तो उसने जो उसकी पीठ पर जो बैग था उसको किससे भर लिया था स्टिंग से। इट्स मीन्स अब उसने जो बच्चे बड़े बच्चे उसे परेशान करते थे उसका उपाय उसने सोच लिया। ओके द बॉय हु स्टॉल हिज पैक लंच दैट डे एट एन एक्सट्रीमली हॉट सॉसेज सैंडविच और जो लड़का उसके टिफिन को चुरा लेता था। ओके पैक जो लंच होता था उसको चुरा लेता था तो उस दिन उसने क्या किया क्या खाया हॉट सॉस सैंडविच खाई थी। द सॉसेस वॉज सो स्पाइसी दैट ही एंडेड अप क्राइंग एंड कफिंग और जो सॉस थी वो इतनी अधिक स्पाइसी थी कि वह लड़का उसे खाते ही चिल्लाने लगा और खांसने लगा। नेवर अगेन डिड ही वॉन्ट टू ईट एनीथिंग बिलोंगिंग टू टॉनी और उसने उस दिन के बाद दोबारा कभी भी उसने जो भी टॉनी से संबंधित चीज़ें थी वो कभी नहीं खाई। मीन्स खाना चाहता था क्योंकि टॉनी ने उसको सबक सिखा दिया था। अनदर बॉय वॉन्टेड टू हिट टॉनी और अन्य दूसरा लड़का टॉनी को मारना चाहता था मीन्स उसे चोट पहुंचाना चाहता था। बट दिस टाइम लेकिन इस समय टॉनी डिड नॉट रन अवे टॉनी भागा नहीं था फ्रॉम मेमोरी उसकी याद के लिए। ओके याददाश्त दिलाने से फ्रॉम मेमोरी मीन्स उस याद दिला करके ठीक है फ्रॉम मेमोरी याद से ही टोल्ड हिम द फोन नंबर ऑफ हिज पेरेंट्स तो उसने उसको उसके पेरेंट्स का फोन नंबर उसको बताया। किसको? उस लड़के को हिज टीचर उसके टीचर को एंड द बॉय वॉइस ऑन मदर और उस लड़के की माँ का भी। इफ यदि यू हिट मी यदि तुम मुझे चोट पहुँचाते हो ओके तो दे विल ऑल फाइंड आउट तो वो इस सब का पता लगा लेंगे।
एंड और यू विल बी फीलिंग सॉरी फॉर वॉट यू डिड, और तुम्हें इसके लिए दुख होगा कि तुमने क्या किया है. टॉनी टोल्ड हिम, टॉनी ने उसको कहा. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए. सो डिटरमाइंडली, कृत संकल्प, डिटरमाइंड मीन्स होता है कृत संकल्प, एंड ब्रेवली मीन्स होता है बहादुरी से. तो उस टॉनी ने उस लड़के की तरफ बहादुरी से और कृत संकल्प होते हुए देखा. दैट द बॉय लेफ्ट हिम अलोन, वह लड़का उसे अकेला छोड़ चला गया. मीन्स उस लड़के ने टॉनी को परेशान नहीं किया.